बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे चलिए मतदान लगातार जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। एक दो छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जबरदस्त जो वोटर है वो पहुंचा है, अपने मताधिकार का उसने इस्तेमाल किया है। जनादेश अब थोड़ी ही देर बाद पैक हो जाएगा, 4 तारीख का इंतजार इसके बाद करना होगा। आपने आज जो आदेश दे दिया होगा वही फाइनल होगा। मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर वोटिंग हालांकि बंद है। उसके अलावा इन 9 सीटों पर इन 9 सीटों के अलावा पूरे में 88 सीटों पर मतदान जारी है। खास बात जान लीजिए, 89 सीटों पर मतदान होने थे लेकिन बैतूल में जिस तरह का घटनाक्रम आया, बसपा के प्रत्याशी का निधन हुआ और उसके बाद एक सीट की जो वोटिंग थी वो आगे यानी 7 मई को वोटिंग वहां पर चली गई। और यही वजह है कि 88 जगहों पर आज मतदान, मध्य प्रदेश की इसमें 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। अब कुछ और अहम खबरों का भी जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा की CBI जांच होगी। बिरनपुर हिंसा का ये पूरा मामला है और CBI छत्तीसगढ़ की टीम आएगी। CBI पे लगे बैन को हटा दिया गया है, अजनेस की जारी कर दी गई है। CBI अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड, इसकी CBI जांच करेगी। 2023 का ये मामला, सांप्रदायिक तनाव के दौरान भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी और उनके पिता ईश्वर साहू वो पिछले विधानसभा चुनाव में उतरे भी और जीत भी उन्होंने दर्ज की, फिर उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया था। और सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, आखिरकार ये जो घटनाक्रम लंबा चौड़ा रहा, आखिरकार अब बिरनपुर हिंसा की जांच शुरू हो सकेगी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के द्वारा इस मामले को अब दर्ज करने की तमाम कवायद चल रही है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले साल सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिस तरह से भुवनेश्वर साहू हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में अब CBI के द्वारा FIR रजिस्टर्ड किया जा रहा है और CBI के द्वारा उस FIR रजिस्टर्ड करने की जो तमाम कवायद है इस वक्त में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और देखा जाए, जिस तरह से अगर सांप्रदायिक हिंसा की अगर बात करें तो जिस तरह से मृतक भुवनेश्वर साहू जो हैं उनके पिता खुद अभी BJP के मौजूदा विधायक हैं और जिस तरह से एक सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और उसी वक्त में जिस तरह से भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई थी, तो एक तरह से कह सकते हैं अपने आप में इस मामले में जिस तरह से जांच एजेंसी CBI के द्वारा शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और पाया गया कि इस मामले में एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब CBI के द्वारा औपचारिक तौर पर FIR रजिस्टर्ड किया जा रहा है और जिस तरह से CBI के द्वारा हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले को दर्ज करने के बाद इस मामले में कई जो महत्वपूर्ण इनपुट्स को खंगाला जाएगा और उसके बाद निश्चित तौर पर इस मामले पर तफ्तीश के दौरान में कई लोगों से पूछताछ होगी और कई लोगों को गिरफ्तार भी जल्द ही किया जा सकता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं, अपने सांसद का चुनाव कर रहे हैं। ये पर्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी जमहूरियत का है जहां जनता अपने नेता का चुनाव करती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे कितनी वोटिंग हो गई, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। नेताजी का इम्तहान, 9 सीटों पर मतदान। कि जिसे आप चुनेंगे वह आपकी सेवा के लिए रत हो जाएगा। जिन्हें भी वोट डालने का अधिकार है उनको वोट अवश्य देना चाहिए। दूल्हा दुल्हन, पहले किया मतदान। दूसरे चरण का दंगल, साख का है सवाल। तो जनता का समर्थन और वोटिंग के प्रति उत्साह देख करके लगता है इस बार खजुराहो में इतिहास बने, ये जीते, आगे बढ़े, सदन तक पहुंचे, जनता की आवाज बने। का विश्व का कामना ही मांगते हैं, सब लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, दुनिया में राम राज्य हो। दावों और वादों की जंग, जनता किसके संग। पहले मतदान करें, बाद में अपने काम करें। संविधान को बचाने के लिए प्रयोग करें और लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो सभी जगह शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, माहौल ठीक है। जनता का जनादेश
ईवीएम में नेताजी की किस्मत। 4 जून का इंतजार, नतीजों से साफ होगी तस्वीर। चलिए कुछ नजर आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं, किस तरह का वोटिंग परसेंटेज अब तक निकलकर सामने आया है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, कल तक इस जो आंकड़ा है, जो सुदूर इलाके के आंकड़े हैं, वो आएंगे धीरे से और फिर पूरी तरह से ये निकलकर सामने आएगा। अब तक की क्या स्थिति है, दमोह की अगर बात कर ली जाए, 45.69% वोटिंग यहां से अब तक बात निकलकर सामने आई है। अब तक जो डाटा आया, अब तक जो रिकॉर्ड आया है। होशंगाबाद की बात अगर कर ली जाए, 55.79% वोटिंग। खजुराहो सबसे ज्यादा गर्म, सियासी तौर पर भी और मौसम के लिहाज से भी, 43.89%। रीवा 37.55%। सतना 47.68%। टीकमगढ़ 48% से ज्यादा। ये वोटिंग की स्थितियां हैं जो इस वक्त तक सामने आई हैं। एक बार फिर आप और बेहतर तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं। दमोह में 45.69% वोटिंग हुई है। होशंगाबाद की भी हम बात करेंगे, होशंगाबाद में किस तरीके से आंकड़े निकल कर आए हैं, 55.79% वोटिंग अब तक हो चली है। हालांकि जो कतारों में लग गए हैं उनके चलते वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। खजुराहो, जैसे मैंने जिक्र किया है कि गर्मी एक बड़ा फैक्टर वहां पर रहती है, सियासी गर्मी और मौसम की गर्मी भी, खजुराहो में 43.89% वोटिंग हो चुकी है। रीवा सबसे ज्यादा कम रहा है, रीवा में अब तक 37.55% वोटिंग हुई है। उम्मीद की जा रही है कि रीवा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा और आगे जाएगा। सतना की बात कर ली जाए, सतना में 47.68% वोटिंग अब तक हुई है। ये आंकड़ा भी बढ़ने की उम्मीद है। इन सभी जगहों को पर पिछले बार तकरीबन 60% एक एवरेज 60 से ऊपर ही परसेंटेज था। टीकमगढ़ 48.67% यहाँ हुआ है। ये तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों का हाल हुआ। छत्तीसगढ़ की बात अगर कर ली जाए, छत्तीसगढ़ से सुबह से ही बहुत खुश करने वाले आंकड़े आए हैं। कांकेर 67.50%, 1 बजे तक ही 60% को क्रॉस कर गया था कांकेर। राजनांदगांव की बात कर ली जाए, हॉट सीट, 61.34% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। महासमुंद की भी बात करेंगे, महासमुंद में अब तक 63.30% वोटिंग हुई है। वोटिंग का ये आंकड़ा है। अब जरा आपको 2019 में किस तरह की स्थितियां हैं, एक वो रीकैप हम आपको बता देते हैं। 2019 को अगर देख लिया जाए, दमोह में 65.83%, होशंगाबाद में 74%, खजुराहो जहां 40 के आसपास गाड़ी चल रही है वहां पर 68% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। रीवा में 60% से ज्यादा, सतना में 70% से ज्यादा, टीकमगढ़ में 66% से ज्यादा, कांकेर में 74% से ज्यादा, राजनांदगांव में 76% से ज्यादा और महासमुंद में 74% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। ये पिछली बार 2019 की तस्वीर है। और अब चूंकि धीरे धीरे ट्रेंड्स भी आने लगे हैं, वादे दावे, अब जनादेश भी कैद हो रहा है, ईवीएम में धीरे धीरे कैद हो रहा है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे और जो मेन अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। धनंजय सिंह ठाकुर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। मिलन भार्गव साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे जो सहयोगी हैं वो तमाम जगहों पर तैनात हैं, उनके पास भी हम अपडेट्स के लिए जाएंगे, बड़ी खबरों पर भी नजर रहेगी। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, धीरे धीरे वोटिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, हालांकि पिछले बार का आंकड़ा अब तक नहीं टूटा है, फिर भी आपकी उम्मीदें? जी ठाकुर साहब, ललित जी मुझसे पूछ रहे हैं, कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार आप हमारी जो टेक्निकल टीम है वो चेक कर रही है। मिलन भार्गव साहब बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक रिएक्शन ले लिया जाए। मिलन जी, धीरे धीरे अब वोटिंग परसेंटेज आने लगे हैं, ट्रेंड्स आने लगे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं खुशी कहीं गम, इन सब के बीच क्या उम्मीद है? देखिए निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत सार्थक है कि जिस प्रकार से बदलाव की लहर देख रहे हैं और इस बदलाव में आज चुनाव जिस प्रकार का जमहूरियत का चुनाव है के वहां पर ये दूसरा पड़ाव है जहां मतदाता अपनी सरकार चुनकर अपना प्रतिनिधि चुनकर इस संसद में भेजकर अपनी समस्याओं को देश को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ना है। उसमें आप देख रहे हैं चुनाव स्कीम वर्सेस स्कैम्स का है, ये चुनाव वर्सेस जनता का है, ये चुनाव जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का है, ये चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति को अंत करने का है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर करके देश की विरासत टैक्स लगाने की जो बात की, गरीब और जो आम आदमी की विरासत है, उसकी संपत्ति है, उस पर गलत नजर डालकर जो खतरनाक विचार
कांग्रेस पार्टी ने उजागर किए हैं, इसका पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस पार्टी घबरा गई है, शर्मा गई जब उनके आंतरिक मामले, उनके राज को उजागर करने वाले राजदारों ने राज उजागर कर दिया है, तब से कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होना तय हो गया है। अब जनता भी निकल कर मतदान कर रही है, वो बता देगी कि हमारी विरासत में बुरी नजर रखने वालों का क्या हाल होता है। मतलब आप चुनाव में सत्ता में रहने के लिए किस कदर जिस दिशा में जा रहे हैं, ये आपके सपने और आपकी जो मंशा है ये जाहिर करती है। मतलब आप विपक्ष में रहकर जिस प्रकार से झूठ और षड्यंत्र प्रपंच की राजनीति करते करते देश विरोध में खड़े आग होते गए, आपने राम मंदिर का विरोध किया, आपने गरीब की जो आस्था है राम, प्रभु राम, उनके अस्तित्व को नकारने का काम किया। ठीक है, हम राम के पदचिन्हों पर चलना तय करते हैं, आप बाबर के पदचिन्हों पर चलना तय करते हैं। देश की जनता बताएगी, वो राम को पसंद करती है और आपको नकारेगी। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है ललित जी, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे आपको। ये चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस की दुर्गति होने जा रही है, इसको भी आप आने वाले समय में देखेंगे। चलिए, कांग्रेस की दुर्गति होने जा रही है आने वाले समय में, मेरा ख्याल 4 जून का आप जिक्र कर रहे हैं, तब ये क्लियर हो जाएगा। मैं पूरी माफी के साथ, अमित श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीवास्तव साहब का बहुत स्वागत। श्रीवास्तव साहब, आपने सुना होगा मिलन भार्गव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की दुर्गति का उन्होंने जिक्र किया, मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, पहला आपका रिएक्शन फिर सवाल। देखिए, मैं बहुत ही काबिल अपने भाजपा के मित्र की पूरी बातों को सुन रहा था। मिलन जी ने बहुत सारी बातों को रखा, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग मुद्दों पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, और जिस प्रकार से दो कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना, आधे समय झूठ को फैलाना, और आज वही काम ये कर रहे थे। कहां ये पहुंच गए कि हम प्रॉपर्टी को बांट देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे लगता है साहब कि जनता अब कहती है ललित जी कि कैसे करे भरोसा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है बीजेपी का लेखा जोखा। और 10 सालों में जो आपने कोई काम नहीं किया क्या कि आपको अब इधर उधर की बात करना पड़ रहा है? आपने जो प्रोमिसेस किए थे, आपने जो दूसरे डिलीवर नहीं कर पाए, आप उस पर माफी मांग लीजिए। जनता का दिल बड़ा होता है, लेकिन कहते हैं ना आप हमेशा कांग्रेस को खत्म करने की बात करते हैं, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मिलन भाई एक चीज कहना चाहता हूं कि हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन आप लोगों की मानसिकता ऐसी है कि विपक्ष को खत्म करो, कांग्रेस मुक्त भारत करो। तो मैं आपको बता दूं, आटे को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, आटे को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और कांग्रेस को खत्म कर दे अभी कोई पैदा नहीं हुआ। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि आज 2024 का ये लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि एक तरफ तो आप 400 का नारा देते हैं मिलन भाई, और दूसरे तरफ आप कांग्रेस को या दूसरी विपक्ष की पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं देते, हमारे अकाउंट को सीज कर देते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आइए चुनाव लड़िए, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम 400 पार जा रहे हैं, और आप विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम करते हैं। मतलब आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मैं आप ललित जी आपके लोकप्रिय चैनल पे धन्यवाद देना चाहता हूं, आज वो 88 सीट पे जहां पर वोटिंग हुई है, और पिछले बार जब 102 सीट पे वोटिंग हुई थी, ये पूरे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने निश्चित तौर पे अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस देश के भविष्य को बचाने का काम किया है, संविधान को बचाने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। क्योंकि ये कहते हैं अगर 400 सीट हमारी आ जाएगी तो हम संविधान को बदल देंगे, आनंद हेगड़े साहब ने कहा, इनके बीजेपी के नेता ने, और भी बहुत सारे नेताओं ने कहा है। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बस इनको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, मिलन जी आपने जो वादे किए थे, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार आपने नहीं दिया, आपने कहा था 400 रुपए में सिलेंडर था साहब, अगर है 56 इंच की छाती भाजपा नेताओं की, आप जिस प्रकार कहते हैं ना 56 इंच की छाती है, तो कम करिए साहब, 400 रुपए सिलेंडर दिलवाइए, महंगाई कम करिए, किसानों की आय दुगनी करिए। मेरे ख्याल पर्याप्त जवाब, हाँ हाँ, आपने लंबा चौड़ा क्वेश्चन पेपर थमा दिया है, मिलन जी प्लीज। ललित जी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो रही है, इसमें हिस्सेदारी और जवाबदेही इन्हीं की है। इस लोकतंत्र में विपक्ष का होना स्वाभाविक से जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए कांग्रेस पार्टी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उस विचार का अंत होना जरूरी है। यदि ये देश विरोधी विचार रखेंगे और आतंकवादियों के साथ मंच साझा करके उनको पोषित करने का काम करेंगे तो उसका अंत होना चाहिए। आप जिहादी ताकतों के साथ खड़ा रहकर उनको पोषित करने का काम करेंगे तो उसका अंत होना चाहिए। हमने यही बात की, हम कांग्रेस को खत्म नहीं होना चाहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो विचार है, घातक है, जो खतरनाक है, उसको खत्म होना आवश्यक है। आपके रहते किन जिहादियों के साथ खड़ी हो गई कांग्रेस? हर जगह तो आपकी सरकार है ही। जी बहुत अच्छा प्रश्न ललित जी, आपको साधुवाद, ऐसे प्रश्न सरकार आजकल जनरली करते नहीं है। आपको साधुवाद देते थे जब जिहादियों पर कार्रवाई होती है, धर्मांतरण करते हैं,
उनके घर को ढहाया जाता, उनको सजा दी जाती तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। जब जब इस सरकार में आते हैं तो जिहादी ताकतों को पोषित करते हैं। आप देखिए कर्नाटक में धर्मांतरण का हमने मजबूत कानून बना के गए थे, लेकिन जैसे ही ये सरकार में पहला निर्णय ने लिया धर्मांतरण कानून को कमजोर किया। गौ हत्या करने वालों को संरक्षण देने की इनके खड़गे जी के जो सुपुत्र हैं, जो मंत्री हैं वहां सरकार में, उन्होंने बात की। तो ये तो जग जाहिर है कि जब जब ये सरकार में रहते हैं तो आतंकी हो, नक्सली हो, जिहादी हो, इनको पोषित करने का काम करते हैं। हमने जब जब कार्रवाई की, हमने जब पाकिस्तान में हमारे देश के सैनिकों ने गोली चलाकर आतंकियों को ठोका तो सबूत किसने मांगे? कांग्रेस पार्टी ने। जब इस देश की सेना का मान बढ़ रहा था, सेना को गली का गुंडा कौन कह रहा था? कांग्रेस पार्टी। जब चुनाव चल रहे थे तो बीच चुनाव में सनातन को एड से तुलना कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के संगठन। इस देश में हिंदुओं को आतंकवादी कहने की परिभाषा कहां से शुरू हुई? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इस देश में भगवा को बलात्कारी और भगवा को देख तकलीफ कहां से होती? कांग्रेस पार्टी से। तो लगातार तो आप प्रलाप करते हैं, प्रहार करते हैं और फिर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम खत्म करना चाह रहे हैं। अरे हम तो विचारों को खत्म कर रहे हैं जो देश विरोधी है और घातक है। और आप देखिए ये चुनाव चल रहा है, सैम पित्रोदा कौन है? सुनील अनिल जी एक मिनट लूंगा मैं आपका। सैम पित्रोदा जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा पोषित किए गए राजीव गांधी जी के जितने फेमस नहीं थे वो आपने कर दिया उन्हें। मैं आ रहा हूं आपके पास। केंद्रीय गृह मंत्री का एक बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया, दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने दिग्विजय पर तंज कसते हुए कहा, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों को करनी है। आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना, उनकी शान जैसी लीड से हराना। समझ में आ रहा है? आ रहा है? गत चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे? तो दिग्विजय सिंह को लेकर ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। वो राजगढ़ के दौरे पर थे, उन्होंने इस्तेमाल किया गाने का, इस्तेमाल किया परमानेंट विदाई शब्द का, उन्होंने जिक्र किया। दिग्विजय सिंह को लेकर यह हमला उन्होंने बोला। दिग्विजय बनाम रोडमल नागर यह मुकाबला है। दिग्विजय के राजगढ़ से आने के बाद चुनाव दिलचस्प। और लगातार जो मेहमान है वो हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे श्रीवास्तव? हाँ मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। पहले जरा श्रीवास्तव जी का रिएक्शन ले लिया जाए। जी श्रीवास्तव साहब, मैं आपको बता दूं ललित जी कि कांग्रेस ही इस देश की विचारधारा, इस देश के मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा कर सकती है। और अभी मेरे काबिल मित्र जिस प्रकार कह रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूँ, कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूँ, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुझे गर्व है मेरे इस पार्टी में कांग्रेस का, और आप अभी सनातन विरोधी और भगवा विरोधी कह रहे थे, तो मिलन जी आपको बता दूं कि मैं कट्टर हिंदू आदमी हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और आप तो 1980 से श्री राम के नाम के नारा लगा रहे हैं। मैं तो जिस दिन हिंदू सनातन धर्म में पैदा हो गया उस दिन से मैं जय श्री राम कह रहा हूँ। तो मुझे आप लोग तो भगवान राम को तब याद करते हैं साहब। मैं इस वक्त मुझे आपको रोकना होगा फिर से अमित जी, प्लीज बेमित्रा हमें चलना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए संबोधित। और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान साहू जी, श्री दयादास बघेल जी, राजेश मूरत जी, चंदूलाल साहू जी, राजीव अग्रवाल जी, अवधेश चंदेल जी, दीपेश साहू जी, श्री ईश्वर साहू जी, श्री गजेंद्र यादव जी, श्री ललित चंद्राकर जी, श्री रिकेश जैन जी, डोमाताल कोसवाड़ा जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, श्रीमती रामचीता साहू जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार।
भाइयों और बहनों, सबसे पहले मां भद्रकाली, सभी गणेश मंदिर और महामाया मंदिर को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत। शहीद वीर नारायण सिंह, पूजनीय गुरु घासीदास जी और स्वर्गीय पंडित ठाकुर प्यारेलाल जी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हमारे ही एक युवा भुवनेश्वर साहू कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने जिसकी जान ली थी, वो भुवनेश्वर साहू को भी श्रद्धांजलि देकर मेरी बात। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की जनता ने न केवल दूर में, पूरे छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर की हत्या इसको बड़ी गंभीरता से, हमने श्री ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया, कोई नहीं मानता था कि रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर नेता को वो हरा देंगे। उनका शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मैंडेट दिया, अपना मैंडेट दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति छत्तीसगढ़ में। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को बनाने का विरोध एक कांग्रेस पार्टी कर, भाजपा के नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बना दिया। और इस साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार चली और 20 साल के अंदर बीमारू छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीबों को पीडीएस के चावल नहीं मिलते थे, हमने पहुंचाया। पीडीएस का चावल कुछ नहीं भाई, मीडिया वाले के लिए कह रहे हैं, बेटा हो बेटा, पीडीएस का चावल पहुंचाया, धान का सही मूल्य निर्धारण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि आने वाले 2 साल में छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद को हम समाप्त। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण करने का काम पूरा नीचे कर दिया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, 10 साल के अंदर समग्र देश में नक्सलवाद समाप्त। आगे बोल रहे भाई, आगे बोल रहे, बस वहीं से बोल रहे, क्योंकि यहां रूपेश सरकार की प्रजाता सरकार आज ऊपर। परंतु जैसे ही आपने विष्णुदेव राय को मुख्यमंत्री बनाया, कमल फूल की सरकार बनाई, हमारे गृहमंत्री और मुख्यमंत्री ने 4 महीने में करीब करीब 90 नक्सलियों को समाप्त करने का काम किया। 123 लोग मेरे किए गए, 200 लोग हत्या छोड़कर सरकार। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2 साल दीजिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, छत्तीसगढ़ की भूमि से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने 10 साल में
ढेर सारे विकास के काम किए। मैं उसकी बात बाद में करूं, परंतु मोदी जी ने कई काम तो ऐसे किए जो एक एक हजार साल तक कोई कर ना पाए। मुझे बताओ भाई कि छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि के प्रश्न को अटका कर लटका कर आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम। और ट्रस्ट वालों ने ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया, मगर राहुल बाबा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि उनको वो अपनी वोट बैंक का डर लगता है। वोट बैंक का डर, भाई और बहनों, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दे, वो लोगों को इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं। दूर वालों मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, खड़के तक आवाज जानी चाहिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? खड़के साहब कहते हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे जी, इस देश को आप जानते ही नहीं हो, आयु भली से पार कर गए, इस देश को पहचान नहीं पाए। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान। भाई और बहनों, फिर से पर कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक की लालच में कश्मीर में धारा 370 को अनेक साल तक संभाल कर। एक फोटोग्राफर यहां जाओ, अनेक साल तक संभाल कर रखे और एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में दिखा। आप सभी ने तो केंद्रीय गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। इसके अलावा अपडेट्स लगातार मिल रहे हैं। सतना में अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, तेज तूफान के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मतदान केंद्रों के पंडाल उड़ गए हैं, अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। सतना से ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, मतदान केंद्रों पर भी इसका असर पड़ रहा है, मौसम का अचानक से मिजाज बदला है, तेज तूफान चल रहा है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हालांकि व्यवस्थाएं की गई हैं, मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अलर्ट जता दिया था कि मौसम का मिजाज बदल सकता है, 2 सिस्टम अलग अलग जगहों पर एक्टिव हो रहे हैं, मौसम यू टर्न ले सकता है। यही वजह है कि ये जो अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, मतदान केंद्रों पर इसका असर पड़ा है, जो पंडाल लगे हुए थे, जो बाहर पंडाल वगैरह लगे हुए थे वो इसमें उड़ गए हैं। तो अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, तेज तूफान के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं और सतना के मतदान केंद्र की हैं। इस तरह से कुछ देर के लिए स्थिति बनी, अंधड़ जैसी स्थिति बनी, तेज हवाएं चलने लगी, बूंदाबांदी शुरू हो गई। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवेंद्र फिलहाल क्या स्थिति मौसम की? देखिए, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, पूरे जिले में अंधड़ के साथ में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और अंधड़ की वजह से जो पोलिंग मतदान केंद्र है वहाँ पे जो छिट लगाए गए थे धूल से बचने के लिए वो उड़ गए हैं। यहाँ तक कि शहर में जो मतगणना स्थल है जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे बड़े पैमाने पर शामियाने लगाए गए थे, टेंट लगाए गए थे, वो सभी उड़ गए हैं।
तो ऐसे में जो मतदान का प्रतिशत है वो निश्चित ही गिरने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मतदान का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। तो अभी तक सतना जिले की बात करें तो लगभग 51% मतदान हुआ है और ये निश्चित ही इस तरह का जो मौसम है इसकी वजह से मतदान कम होगा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और सतना की ये तस्वीरें हैं। अचानक से मौसम का मिजाज बदला है और कुछ देर के लिए व्यवधान जरूर इसमें पड़ा है और ये तस्वीरें जैसे कि शिवेंद्र जिक्र कर रहे थे, तेज अंधड़ आया और उसके बाद बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बनेंगी और आखिरकार वो बनी हैं। और लगातार इस तरह से अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और जो हमारे साथ विशेष जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे। और श्रीवास्तव साहब आप कुछ कह रहे थे, आप बहुत शॉर्ट में रिएक्ट करें फिर मुझे जाना होगा मिलन जी के पास, प्लीज। जी मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने उस समय मैंने 400 की बात की थी, आप जो 400 की बात करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर आ जाइए। आपने अच्छा काम किया तो जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता पे छोड़ते हैं। चलिए मिलन भार्गव साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हमें जाना पड़ा दरअसल केंद्रीय मंत्री को सुनने के लिए, आप बोले फिर मैं सवाल करूंगा। जी मिलन जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस प्रकार से सैम पित्रोदा जी एक शख्सियत निकलकर आई जो कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण पदवी रखते हैं, ये सैम पित्रोदा जी का मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा। और जिस प्रकार से उन्होंने विरासत टैक्स लगाने की जो बात कही है, ये सैम पित्रोदा जी वही है जो इंदिरा जी के द्वारा पोषित किए गए सरकार में राजीव गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार रहे। अब सोनिया जी और राहुल जी को राजनीतिक सलाहकार के रूप में वो गाइड करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और कांग्रेस की मध्यस्थता करते हैं। जब जब इस देश से राहुल गांधी गुप्त गोपनीय यात्राओं पर विदेश में गए तो ये वही व्यक्ति हैं जो अन्य लोगों से इनकी बातचीत कराते हैं, देश विरोधी लोगों के साथ मंच साझा करवाते हैं, गुप्त वार्ताएं करते हैं, वो सैम पित्रोदा जी हैं। और ये बात भाई सही है, चुनाव में सुनिए महत्वपूर्ण है ललित भाई, ये चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने आम जनता की संपत्ति को लूटने की योजना बनाई और उनके मुंह से निकला, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। ठीक, मतलब आपने मैं अब आपको यहाँ रोक रहा हूँ। दरअसल एक बार फिर हमें केंद्रीय मंत्री अब संबोधित कर रहे हैं, वहां पर हम लिए चलते हैं आपको, चर्चा जारी रहेगी। भूपेश बघेल एंड कंपनी जिन्हें महादेव के नाम से घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, शराब घोटाला किया, एसटी युवाओं को नियुक्ति का घोटाला किया, अनाज का घोटाला किया, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, पीएफ घोटाला, भूटान घोटाला, किनारे रखो ना, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी आई है, फिर से नया कपड़े कमंडिया रामलीला मैदान में इकट्ठा हो और कैसे हमें सुनो, मोदी जी देश को बर्बाद कर देंगे। अरे मोदी जी ने देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम। भाई और बहनों, मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अरुण साव और विजय को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था माताओं को मातारी बंधन योजना तहत चेक बेचने का काम करेंगे। मुझे तो लगा भी 5 साल का वादा है, 2-3 साल लग जाएंगे। एक दिन सुबह फोन आया कि आज महिला दिन है, हम चेक की पहली किस्त भेज रहे हैं और माताओं बहनों हमारा फायदा इन्होंने पूरा और 12 लाख से ज्यादा
की शान। बेलतेरा जिले में सार्वजनिक धान की अभी खरीदी हुई और एक ही जगह से 9,34,000 मैट्रिक टन चावल देश के भंडार में भरने का काम और 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपया एक मुश्त जारी करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जो पुराना हिसाब किताब था उसका भी 12 लाख से अधिक किसानों को पुराना मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भाइयों सरकार ने पूरा और जो पुराना हिसाब किताब था उसका भी 12 लाख से अधिक किसानों को पुराना बोनस भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों मैं भी सुन रहा था ये राहुल बाबा को तोते की तरह किसी ने ओबीसी ओबीसी समझा दिया है। राहुल बाबा देश के जितने भी दल है इसमें पिछड़ा वर्ग का अगर कोई विरोधी दल है तो आपका दल कांग्रेस पार्टी है भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी। सालों तक काका साहेब कालेरकर कमीशन का रिपोर्ट दबाकर एक कांग्रेस पार्टी बैठी गायब कर दी। सालों तक मंडल कमीशन का रिपोर्ट दबाकर एक कांग्रेस पार्टी बैठी गायब कर दिया। मंडल कमीशन का विरोध किया मोदी जी ने, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र की सभी जगह पर रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाई और बहनों ये झूठ फैलाते हैं कि भाजपा आरक्षण हटा लेगी। मैं कहकर जाता हूं एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये मोदी गारंटी है, मोदी गारंटी। भाई और बहनों जनजाति का भी सम्मान भारतीय का 5 बजे तक का मध्य प्रदेश में मतदान का परसेंटेज 54.58% मतदान हो चुका है 5 बजे तक। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए 72.13% मतदान। सीट वाइज भी हम आगे आपको बताएंगे लेकिन इस वक्त अगर दोनों राज्यों के हिसाब से देखा जाए 6 और 3 सीट जहां पर चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में 54.58% मतदान हुआ है जबकि 5 बजे तक छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए 72.13% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। ये 5 बजे के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए मध्य प्रदेश में 54% से ज्यादा वोटिंग जबकि छत्तीसगढ़ में 72% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सबसे कम मतदान की बात कर ली जाए सतना में वोटिंग परसेंटेज, वहां पर वोटिंग सतना और रीवा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना एक बड़ी चुनौती। सतना में मौसम का मिजाज भी बदला है, इसका भी निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। खजुराहो में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 40% के पार जरूर जा चुका है लेकिन गर्मी का एक बड़ा रोल उसमें। अब ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे थोड़ी गर्मी कम होगी लोग पहुंचेंगे। तय समय तक 6 बजे तक भी आप अगर मतदान केंद्र के प्रमाइसिस में परिधि में परिसर में चले गए तब भी आपको वोटिंग करने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जैसे मौसम का मिजाज बदला है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। मंदसौर छिंदवाड़ा समेत कई जगह राजगढ़ में
ये स्थितियां बनी। इसके अलावा सतना की तस्वीरें भी आपने देखी। तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग शुरुआत से ही पिछड़े नजर आए, रीवा और सतना। और लगातार जो मेहमान है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। अमित श्रीवास्तव साहब बने हुए हैं, मिलन जी हमारे साथ बने हुए हैं। मिलन जी प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे। ये दरअसल इस तरह स्थितियां बनेंगी, हमें बार बार इधर उधर जाना होगा अपडेट्स के लिए, प्लीज। देखिए ललित भाई, वही महत्वपूर्ण बात है। देखिए जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने जिस आशिक की बात की, उसका जनाजा निकलना भी तय है, क्योंकि उनके इरादे इस देश और इस संस्कृति के लिए खतरनाक है कि विदाई होना तय है। वही अमित जी अभी बात कर रहे थे कि बहुत कट्टर हिंदू हो और जय श्री राम का नारा लगाता हूं। तो भाई ये जय श्री राम का नारा कहाँ चला जाता है जब आपकी पार्टी और आपके नेता राम को काल्पनिक कहते हैं और आपकी पार्टी ही राम मंदिर को निमंत्रण को अस्वीकार करके ये घोर निंदा का जो चरित्र करती है, तब आपका कट्टर हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है जब सनातन को एड्स कहते हैं, उस दल में आप राजनीति करते हैं, आपको तकलीफ होती नहीं दिखती है? आपका कोई बयान आया हो या जिन्होंने सनातन को, मिलन जी माना जाए की तुलना कर, हम जब भी संविधान का जिक्र करते हैं सब होता धर्म निरपेक्ष, कट्टर हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? आपका वो कट्टर हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? हिंदुओं को आतंकी कहा जाता है, आपका वो कट्टर हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? अमित भाई, जब नवरात्र में आपके नेता मछली खाकर फोटो वीडियो वायरल करते हैं और चिकन बिरयानी बनाते हैं, आपका वो कट्टर हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? जब लगातार हिंदू संस्कृति और हिंदुओं पर हार होता है, आपका वो कट्टर हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? भारतीय संस्कृति को पीछे रख, तो क्या भार्गव साहब ये तय किया जाए कि बीजेपी महान कहती है, टीपल सुल्तान को महान कहती है, पर इस देश के जो महापुरुष है उनका अपमान करती? आपका वो कट्टर हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? देश की एक आदिवासी महिला एक देश पहुंचती है। जी ललित भाई, जी जी, मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। कांग्रेस इतनी भी नहीं बचेगी कि टेम्पो की सवारी में आ पाए। इस चुनाव के बाद कांग्रेस खत्म है। नक्सलवाद खत्म करना है तो कांग्रेस को खत्म करना है। कांग्रेस के पास विपक्ष का दर्जा पहले भी नहीं बचा था, अब तो और भी बुरी स्थितियां हैं। इन बयानों के बाद अचानक से आपको याद आता है कि 2006 में 15 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई और बयान दिया था, ये विरोधाभास कैसा? ललित भाई, हम तो 10 वर्षों में इस देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, हम विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार यही प्रहार करते हैं। इन्हीं के मैनिफेस्टो इनको पढ़ना चाहिए अमित भाई को, कि किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति को अपना कर इस देश की गरीब जनता और हिंदू जनता के संपत्ति को लूट कर आप मुसलमान को देने की जो बात कर रहे हैं, यही मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे ये बात करते थे कि इस देश के संसाधनों को पहला अधिकार यदि किसी का है तो मुसलमानों का है। ये कैसे हो सकता है? हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो समझता था गरीब जाति के लिए विकास कर रहे हैं। हमारी प्रत्येक योजना देख लीजिए, यदि पक्का मकान हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। इस देश में यदि गैस सिलेंडर मिला है तो सब समाज को मिला है, गरीब को मिला है। गरीब धर्म होना चाहिए, गरीब जाति होना चाहिए, यही ध्येयवाक्य के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन आप जाति हिंसा कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी एक जगह जिक्र किया कि पसमांदा मुसलमानों को डरने की जरूरत पहले भी किया है, पसमांदा मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, हम उनका डेवलपमेंट करेंगे। ठीक, श्रीवास्तव साहब प्लीज। देखिए बहुत ही झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का नाम, भारतीय झूठी पार्टी कर देना चाहिए तत्काल। अभी जिस प्रकार की बातें कह रहे थे तो मैं आपको बता दूं, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का कुछ चरित्र अपना लेते हैं साहब, और आप तो सिर्फ उनकी बात करते हैं, चरित्र आए उनमें एक भी चरित्र इन भाजपाइयों में नहीं है, और आप हमेशा कितना झूठ बोलते हैं। देखिए कहते हैं कौन सिखाता है, मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, भाजपा नेताओं को कि हिंदू खतरे में है, हिंदू का सनातन धर्म खतरे में है। अरे अगर देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, अगर हिंदू खतरे में है, अजब देश के गृह मंत्री अगर हिंदू है और वह हिंदू खतरे में है, राष्ट्रपति, गवर्नर, सीएम, मंत्री अगर सब हिंदू है, अगर वो खतरे में है, तो मुझे लगता है इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इनके रहते हिंदू खतरे में, पहली चीज। दूसरी चीज मिलन भाई, आपको कह दूं कि लूट तंत्र, झूठ तंत्र में आप लोगों को विश्वास रखने वाले पूरी तरीके से बीजेपी अटकी भटकी लटकी नजर आती है। और आपको मैं बता दूं ललित जी, आपको अभी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि अभी हमको इनकम टैक्स का 94 का सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस दिए 138 करोड़ रुपए का, और 135 करोड़ रुपए हमारा जब्त भी करा दिए। इसलिए मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी आप लोग नहीं दे रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है कि आप घबराए हुए हो, आपने 10 साल कुछ किया नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी की है।
इसलिए अब आपको लग रहा है जब जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, तो अब आप निकालते हो कि धर्मांतरण, तुष्टीकरण, और जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं लगता है कि जनता श्रीवास्तव साहब कर्नाटक में तो रिजर्वेशन तो दिया गया है, ये आप मानेंगे कर्नाटक में 2B कैटेगरी में रिजर्वेशन तो दिया है आपने? देखिए मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैंने जैसा कहा ना कि इनके वक्तव्यों में बड़ा डिफरेंसेस आते हैं, और अभी आप सैम पिसोदा जी की बात कर रहे थे, क्लियर हमारे हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे मीडिया के जो प्रमुख है जयराम रमेश जी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की जुमलेबाजी, खैर मिलन जी सारे छोड़िए, हम आपके बातों पे स्मार्ट सिटी बननी है, उनको 10 स्मार्ट सिटी बता दीजिए, आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, क्या लोकपाल आया, क्या महंगाई 100 दिन में कम करने का वादा था आपने किया, क्या किसानों की आय दुगनी आप 2022 तक करने वाले थे आपने किया, क्या 15 लाख अकाउंट में आया, क्या एक भी वादे आपने पूरे नहीं किए साहब, तो किस मुंह से आप लोग जनता के बीच में जाएंगे, यही आप लोग का डर है, पीड़ा है, तकलीफ है। चलिए हम मिलन जी से जवाब लेंगे, हाँ मिलन जी से जवाब लेंगे प्लीज, मिलन जी प्लीज। देखिए टेलीविजन पर जिस प्रकार की बातें रख रहे हैं, क्या इनके नेता जमीन पर राजनीति में जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए इन मुद्दों को लेकर राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं? ये कुर्सी फाड़ और कुर्ता फाड़ तो सबने देखा, क्या हाल है इनके नेताओं का, जिस प्रकार की नूरा कुश्ती मची है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए, जीतू पटवारी जी जब से आए 4 लाख के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं, देश भर में लगातार कांग्रेस पार्टी टूट रही है, छूट उनके नेता अब जो दशकों तक इस पार्टी में रहकर राजनीति करते रहे, आखिर क्या कारण है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं? वो देख रहे हैं कि राम का आप विरोध कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप देश का विरोध कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप लगातार आतंकवाद को पोषित करते आए हैं, वो देख रहे हैं कि आप जिहाद को तरफदारी करते आए, इसी कारण तो आप कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं मिलता, हम राजनीति नहीं करते, हम डिलीवर नहीं करते। भैया जो कहते हैं वो करते हैं, हमने कहा था कि धारा 370 खत्म करेंगे तो कर दी, हमने कहा था कि देश में जो हमारे अपने हैं जो अन्य देशों में धार्मिक आधार पर सताए जा रहे हैं उनको नागरिकता देंगे तो दे दी, हमने कहा था कि राम मंदिर बनेगा तो बन गया। चलिए मिलन जी मुझे रुकना होगा, वक्त प्लीज प्लीज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, हमें उधर उधर भी जाना पड़ा, बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे सवाल छूट भी गए, ये सिलसिले लेकिन लगातार चलेंगे। श्रीवास्तव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ एक ब्रेक के लिए।